Good morning, students. Welcome to MDN School Kalayath. Today, now discussing kinship, cost, and cla class in early societies. 600 is Sweepura. क्लास प्लस टू लेसन थ्री चैप्टर थ्री लेक्चर टू में डिस्कस करेंगे आज हम बंधुत्व जाति तथा वर्ग में जैसे कि कल आपने पढ़ा था हम एक बार कल का वाला रिपीट करके बता देते हैं आपको कल हमने पढ़ा था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में बात हुई थी पहले लेक्चर में 1919 में संस्कृत के विद्वान थे वी एस साक्तकर के नेतृत्व में कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समा सलोचनात्मक संस्करण तैयार किया उसमें क्या क्या? देश के अलग अलग भागों से पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने महाभारत के में रचना की गई और उन्होंने उन श्लोकों का अध्ययन किया जो सभी पांडुलिपियों में प्रयोग किए जाते थे और इसे पूरा करने में लगभग फोर्टी सेवन साल लगे और जो इसके ग्रंथ पाठ थे इनको कितने ग्रंथों में बांटा गया था और तो इसके पार्ट बनाए गए क्योंकि यह तेरह पेजों में फैला हुआ था और एक ग्रंथ बनाना बहुत मुश्किल या अनिवार्य कार्य था इसलिए इसके पार्टों में इसको विभाजित किया गया कल पढ़ा था हमने उसके बाद हमने पढ़ा था बंधुता एवं विवाह परिवार आया था एक ही परिवार के लोग जहां पर भोजन करते हैं और दूसरे संसाधनों को भी आपस में बांटकर प्रयोग करते हैं एक साथ रहते हैं अनुष्ठान करते हैं मंदिरों में जाना के रिश्ते थे ब्लड रिलेशन के बारे में था बताया था और कुछ परिवार के रिश्ते ऐसे थे जो जिसमें चचेरे भाई बहन होते हैं उसके बाद हमने बात की थी पितृवंश सिंह की पितृवंश सिंह में थे फिर कुरुवंश में थे कुरुवंश के कौन कौन थे पांडव और कौरव दोनों ही कुरुवंश में थे और उनकी लड़ाई हुई और भूमि और सत्ता को लेकर किसकी बाद में जीत हुई पांडवों की फिर उसके बाद पढ़ा था हमने जीत लेने के बाद जब जीत के उसके उत्तराधिकारी को पितृवंश घोषित किया गया पितृवंश क्या है पिता के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार और बताया था कभी पुत्र न हो तो उस पर उसके भाई का भी उत्तराधिकारी हो सकता है अगर उसका भाई भी ना हो तो किसी सगे संबंधी को भी उत्तराधिकारी बनाया जाता था उसके बाद पढ़ा था हमने विवाह के नियम आज हम एक बार फिर से आगे के लिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सभी विद्यार्थी होमवर्क भी ध्यान से रखें कि मैं अपना होमवर्क अपने लिंक लिंक भी सेंड करेंगे साथ के साथ सभी का विवाह के नियम जैसे आप देख रहे हैं बंधुत्व जाति वर्ग लेक्चर टू में विवाह के नियम क्या है एक विवाह था अंतर और एक था बहिर्विवाह अंतर विवाह क्या था गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है भी अपने ही गोत्र में वो विवाह कर लेते थे और बहिर्विवाह गोत्र के बाहर जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं हमारे बहुत सारे गोत्र होते हैं हम क्या करते हैं पहले पिता का गोत्र किसी के कास्ट में किसी का गोत्र मिलाया जाता है हम यथार्थ अपने गोत्र के बाहर विवाह करते हैं और अंत्य विवाह का क्या था बेटा अपने गोत्र के अंदर ही विवाह करना था पहले क्या होता था अपने गोत्र में ही विवाह कर लेते थे जैसे कि एक ही गोत्र के ज परिवार में अगर चाचा है ताऊ है और उनका कोई गोत्र सेम मिलता है तो ऐसे भी शादियाँ कर लेते थे अब आती है पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व जैसे कि हमने रेड पेन से अंडरलाइन भी किया है जो पितृवंशीय समाज में पुत्र का महत्व क्यों है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है पिता पिता से पुत्र पुत्र से नीचे पुत्र फिर पुत्र से आगे पुत्र इसी कारण इसका पुत्र का बहुत महत्व है पुत्रों को अलग अलग प्रकार से देखा जाता था पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था देखो उस समय की जो बातें हैं आज भी बहुत सारी बातें इन पर गौर किया जाता है जो हमारे माता पिता है हम लोग हैं हम भी उन्हीं से सीखने को, को मिलता है फिर पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर कन्यादान कन्यादान कौन करता था पिता का अहम कर्तव्य माना जाता है था और है भी है नए नगरों का उद्गम हुआ और सामाजिक नियम बदलने लगे क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे आपको पता है कोई वस्तु खरीदनी या बेचनी है तो किसके लिए लोग नगरों की तरफ आते हैं शहरों में वाजते थे विचारों का आदान प्रदान होने लगा इसलिए प्रारंभिक विश्वासों एवं व्यवहारों पर प्रश्न पर्ष, चिन्ह लगे इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की क्या तैयार की क्वेश्चन पूछा जाता है इन्होंने इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने क्या की आचार संहिता तैयार की इनका पालन सभी को करना था 500 सौ ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन हुआ जो संकलन हुआ कि, किस में हुआ धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में धर्म सूत्र सु, और धर्म शास्त्र में इसमें सबसे अहम मनुस्मृति था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाइन इसमें सबसे अहम क्या था मनु मनुस्मृति सबसे अहम था अर्थशास्त्र में आठ प्रकार के विवाह बताए गए हैं अर्थशास्त्र में आठ प्रकार के विवाह बताए गए हैं सॉरी आर्शास्त्र ने सॉरी धर्मशास्त्र में धर्मशास्त्र में आठ प्रकार के विवाह बताए गए हैं प्रथम चार प्रकार के अधिक उत्तम हैं और शेष बाकी क्या है निंदित हैं शेष बाकी क्या है निंदित है फिर से मैं बता रहा हूं आर्शास्त्र गलती से बोला गया बेटा धर्मशास्त्र है ये धर्मशास्त्र में आठ प्रकार के विवाह बताए गए हैं प्रथम चार प्रकार के उत्तम हैं और शेष क्या है निंदित थे उसके बाद बात आती है स्त्री का गोत्र स्त्री का गोत्र क्या है गोत्र पद्धति से एक हजार ईस्वी पूर्व प्रचलन में आई गोत्र क्या है पद्धति से एक हजार ईस्वी पूर्व प्रचलन में आई इसका मुख्य उद्देश्य है गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था अर्थात ब्राह्मणों का बंटवारा करना स्त्री तर गोत्र आ गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना या ब्राह्मणों का बंटवारा प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था जैसे कि विश्वामित्र हुए हैं अगस्त जी हुए हैं अगस्त ऋषि जी हुए हैं प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था उस गोत्र के सदस्य को ऋषि का वंशज माना जाता था अब आगे आता है गोत्र के नियम गोत्र के क्या नियम थे गोत्र गोत्र के दो नियम थे विवाह विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र पति का गोत्र गोत्र क्या है गोत्र के नियम क्या है विवाह के बाद अब विवाह के बाद कैसे बेटा आप लोग भी समझते हैं जैसे कि आज स्पोज करो कि मेरी बेटी है वो गर्ग से है अब उसकी शादी किसी गोयल परिवार में हो जाती है तो उसका जो गोत्र है वो जाके वहां पे बदल जाएगा वो को क्या हो जाएगी गोयल क्योंकि उसके पति का जो गोत्र है वही गोत्र उसका लगाया जाएगा आप समझ भी गए गएगे अर्थात देखो गोत्र के नियम क्या गोत्र विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र मिल जाता है अर्थात तो उसका पति का नाम मिल जाता है आप लोग देखते हैं कहते हैं मिस है तो सर नेम उनका चेंज कर लिया जाता है उसके नियम क्या है एक ही गोत्र में विवाह की मनाई थी क्या थी नियम क्या थे एक गोत्र में विवाह की मनाई है आप भी देख रहे हैं सात वाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी अर्थात ये सभी उल्टे उल्टा तरीका सात वाहन राजाओं में क्या था यहां पर एक ही गोत्र में विवाह की मनाई थी लेकिन सात वाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी सात वाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहां स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते थे अर्थात यहाँ क्या थी यहाँ पर था जो भी था आचार विचार थे वो सारे अपोजिट थे कैसे थे आपको पता लग गया कि वहां पर तो चेंज था और यहां पर कोई चेंज नहीं है वहां पर जो उसके पिता का था वही गोता रखा जाता था अब समझ भी गए हो गए अच्छे से सातवान बहुपल्ली प्रथा को मानते थे कौन सी प्रथा को बहुपल्ली प्रथा को मानते थे कई रानियां एक ही गोत्र से थी आप सभी को अच्छे से टॉपिक ये समझ आ गए हो गया दूसरे लेक्चर में भी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है जो लॉन्ग क्वेश्चन में है और किसी भी बच्चे को कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम भी आती है तो आप अपनी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं एन की वैसे लेक्चर नंबर भी डाल दिया जाएगा कल से वैसे भी आज जो भी अपडेट रहेगा आपका जैसे कल का जो होमवर्क भी रिटर्न में रहेगा वो रहेगा मेक ए लिस्ट ऑफ सिक्सटीन महाजन पद एंड एक्सप्लेन दैम जो सेकेंड लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया था तो आज कल के लिए जो होमवर्क करना है होगा आप हाँ लोगों को आपको कल मॉर्निंग में होमवर्क मिल जाएगा वो होमवर्क आपका यही रहेगा सिक्सटीन महा सिक्सटीन महाजनपद की लिस्ट एक सूची बनानी है और आपने उसको एक्सप्लेन देन करना है जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है और उसकी राजधानी कहाँ है क्या है तो अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा थैंक यू हैव ए गुड डे